सीवान के पचरूखी थाना के हरदिया गांव में एक विवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई। दरअसल गांधी सिंह ने अपनी बहन पनपति देवी की शादी 2 साल पहले परखुची थाना क्षेत्र के हरदिया गांव निवासी उपेंद्र सिंह से की थी। शादी के बाद से ही पनपति देवी को दहेज के लिए सास ससुर और भैंसुर प्रताड़ित करते थे। हालांकि मृतका का पति उसे प्रताड़ित नहीं करता था। जब पति खेत में काम करने गया तब सब ने मौका देखकर पनपति को फंदा लगाकर मार डाला। पति उपेंद्र सिंह ने इलाज कराने की भी कोशिश की लेकिन रास्ते में ही पनपति देवी ने दम तोड़ दिया। घटना भइल बा, साथ बोलियो, गई रही थी सरसों पटौत रही, आवी आवी तो देखा तनी जाई सीढ़ी के लगे पड़ल बड़ी, उठा के लेके सिवान जात रही, रास्ता में देखी पर एकदम पाला हो गई। पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर सास ससुर, 2 भैंसुर और 2 जेठानियों सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें उनके किए की सजा दिलानी चाहिए। शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे। इसी दौरान शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए शिक्षा मंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाकर विरोध किया। वहीं नियोजित शिक्षक संघ का कहना है कि समान कार्य के लिए समान वेतन के हाईकोर्ट के फैसले को सरकार नहीं मान रही है। मैंने उच्च न्यायालय के न्याय निर्देश को लागू करने हेतु माननीय शिक्षा मंत्री से हमारे राज्य के कई संगठन पूर्व में आग्रह करते रहे। शिक्षा मंत्री अपने बार बार बयान दिए जाने के बावजूद ही पलटते रहे और माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्देश को निरस्त कराने हेतु सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। हम लोग इसके विरोध में और माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्देश को लागू कराने हेतु आज कैमूर में हम लोगों ने शिक्षा मंत्री का विरोध किया, काला झंडा दिखाया। इसके साथ ही शिक्षकों ने सरकार को चुनौती देते हुए सरकार का यही रवैया रहा तो शिक्षक संघ का विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। छोटी काशी के नाम से विख्यात भिवानी के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और हरियाणा सरकार प्रदेश के लोगों को अच्छे दिन लाने के सपने दिखाती ही जा रही है। ये तस्वीरें भिवानी के जूई कस्बे की हैं, जहां पानी की किल्लत को लेकर नाराज महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं और दिल्ली भिवानी मार्ग पर जाम लगा दिया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि पिछले 1 महीने से उन्हें पीने की पानी की भारी किल्लत है। अधिकारियों को बार बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई भी सुनवाई के लिए तैयार नहीं है, इसे मजबूरन उन्हें रोड जाम करना पड़ा। पानी नहीं सर, 1 किलोमीटर तो पानी लिया, बच्चा 1 टोकनी लिया, उसने खेडा दी उसकी पिटाई और गोडे गए फूट, 73 साल की लुगाई सुमा और इतनी टेंशन हो रही सर, मन बगा बगा मन मार सब पानी से आप कितनी बार शिकायत की है पानी की समस्या की? शिकायत कर दी, एक बार भी सुनाई नहीं। क्या नाम है आपका? महिलाओं के इस प्रदर्शन के चलते दिल्ली भिवानी मार्ग पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों के आश्वासन पर महिलाएं जाम खोलने को राजी हुई, जिसके बाद दिल्ली भिवानी मार्ग बहाल हो सका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आउटसोर्सिंग की बहाली में आरक्षण लागू किया है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार के इस कदम की तारीफ की है। पासवान ने देश में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करने के लिए जनमत तैयार करने के नीतीश कुमार की अपील का भी समर्थन किया है। जो इन्होंने 2 चीज किया है, एक जो इन्होंने कहा है कि जो आउटसोर्सिंग में जो इन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की है उसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई है। बिहार में और पूरे देश के स्तर पर जो इन्होंने कहा है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण के लागू करने हेतु जनमत तैयार किया जाए, तो लोक जनशक्ति पार्टी इसके लिए शुरू से ही जो है लड़ाई लड़ती आ रही है, आज से नहीं जब से हमारा दलित सेना गठन हुआ था उसमें से, और अभी भी हम लड़ाई क्या करते हैं कि लड़ रहे हैं, जिसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी, दहेजबंदी और बाल विवाह पर रोक के फैसले का रामविलास पासवान ने सहयोग देने का वादा किया है। और हमने पार्टी के सब अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर पर निर्देश भी दिया है कि ये जो बिहार सरकार का और खास करके मुख्यमंत्री जी का जो ये अभियान
चला है नीतीश जी का दहेज बंद दहेज के खिलाफ में बाल विवाह ये दो इशूज के ऊपर में जो उन्होंने जो है लिया है। पहले उन्होंने शराबबंदी का किया, शौचालय का भी किया, और अब ये जो कुरीति जो महान कुरीति है इसके खिलाफ में जो उन्होंने अभियान छेड़ा है। लोक जनशक्ति पार्टी पहले भी स्वागत किया है, अभी भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज द्वारा भारत की रेटिंग बढ़ाने का जिक्र करते हुए पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से भारत बेहद खुश है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की आर्थिक स्थिति से जो इंडियंस खुश हैं, भारतीय खुश हैं, वो 2014 में 64% था और आज जो है 2017 में 83% है। रामविलास पासवान बिहार की सियासत की धुरी हैं। जिस तरह से वो पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, इसे संकेत साफ है कि बिहार में एनडीए की एकता कायम है।